ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी भी उनकी, अंडा भी उनका है। मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है। जो आज और दो दिन है, तीन दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी तीन पार्टी में, उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बाकी दो दिन बचे हैं मंगलवार तक, उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बालासाहेब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथराव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बालासाहेब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा। तीन तीन चार चार दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है, तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी भी उनकी, अंडा भी उनका है। हाँ, मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है। इसने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 288 में से महाविकास आघाड़ी जो 85 सीट है, ये जो गणित है ये सुपर कंप्यूटर समझने, डेफिनेटली सुपर कंप्यूटर का गणित है ये, उनको कभी पता नहीं चलेगा। ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा हमारा गणित क्या है। आप वो गणित को हिसाब करते रहिए, उनको कभी नहीं पता चलेगा। सर, ब्रिक्स की बैठक, ब्रिक्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री गए थे एक तरफ, दूसरी तरफ कश्मीर में एक बार फिर का हमला हुआ है, दो जवान और दो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से फेल्योर है। विदेश में घूमने से देश की सुरक्षा नहीं होगी। अमित शाह जी के किसी ने जाकर कहना चाहिए ये आपकी जिम्मेदारी है, दर दिन यहाँ हत्याएं हो रही है जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। पूरा दिन राजनीति, सीट का बंटवारा, सरकार गिराना, ये उनका काम चल रहा है। गृह मंत्रालय का काम कब होता है बताइए मुझे। चलो, थैंक यू। संजीव खन्ना 11 तारीख को शपथ लेने वाले हैं चीफ जस्टिस, क्या उम्मीद है कि आते हैं जाते हैं सर न्यायाधीश जी, हम तो न्याय की गुहार लगाते बैठते हैं। अब चंद्रचूड़ साहब, मैंने सुना है इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाले हैं, इसलिए हमको न्याय नहीं दिया यहाँ। अब चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में बनने वाले हैं जज या चीफ जज, तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए महाराष्ट्र में एक घटना बाह्य सरकार को बचाया, चलाया और संविधान की हत्या हुई।